हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की खबरों का मेन मुख्य मुद्दा ये है रीट भर्ती। लेकिन रीट से भी बड़ी बात यह है कि जो सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 में हुई थी, उसमें चयनित जो अभ्यर्थी थे उनको अभी भी ज्वाइनिंग है वो नहीं दी गई है। उनके द्वारा कई बार आरपीएससी के सामने भी जो धरना प्रदर्शन है वो किया गया है, बीकानेर निदेशालय के सामने भी किया गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हल नहीं निकला है। आज के अखबार में भी इस भर्ती के बारे में जो मुद्दा है वो उठा है। एक न्यूज़पेपर की हेडिंग है, 6 माह बाद भी 7,225 चयनितों को नहीं मिली नियुक्ति। तो दोस्तों, हम सभी यही चाहते हैं कि जो सेकंड ग्रेड के जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, ताकि रीट के अंदर जो कट ऑफ है वो और भी ज़्यादा नीचे जाए। क्योंकि सेकंड ग्रेड वालों में लगभग रीट के अंदर भी सिलेक्ट हुए, अगर उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, अगर आप उनका साथ देते हो सेकंड ग्रेड वालों का, तो काफ़ी लोगों के रीट में नंबर आने के वो है चांस है। क्या है आज अखबार में आई पूरी न्यूज़, चलिए अपन शुरू करते हैं। उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, खबर ये है कि आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2016 में चयनित 7,225 अभ्यर्थियों को परिणाम जारी होने के 6 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। अभ्यर्थियों ने आयोग को 1 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पर फैसला नहीं लेने पर पुणे महापड़ाव की चेतावनी दी है। चयनित बेरोजगारों ने आयोग के सामने कई बार धरने प्रदर्शन और अनशन किए। हर बार आयोग के अधिकारियों ने कोर्ट का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में असमर्थता जताई। पूर्व में आयोग के अधिकारियों ने कहा कि कोर्ट के फैसले की कॉपी आते ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, लेकिन अब जोधपुर हाईकोर्ट और जयपुर हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी आई हुए 8 दिन बीत जाने के बाद में भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता है वो नहीं खुला है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने कहा कि आयोग की लापरवाही की वजह से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कुठाराघात हो रहा है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी दिनों से चयनित पर अपनी पोस्ट पाने के लिए, अपना पद पाने के लिए वहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। किसी का परिवार से संबंधित पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्याओं के बाद में भी वो लगातार अपनी ज्वाइनिंग के लिए वहाँ भटक रहे हैं। बल्कि गवर्नमेंट को उनका साथ देना चाहिए और जल्दी से जल्दी उनकी नियुक्ति प्रक्रिया वो प्रारंभ करनी चाहिए, ऐसा भी सब भी मानते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये न्यूज़ पसंद आएगी। धन्यवाद। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।